हम लोग गुजरात में बचपन से कहावत सुनते हैं, निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचू निशान। यानी अगर निशान चूक जाते हैं तो माफ हो सकता है, लेकिन अगर निशान नीचा रखते हैं तो उसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। जब लक्ष्य तय करते हैं तो मेरा एक मत रहता है कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में न हो। यानी लगता है भाई, मान लीजिए मुझे यहां छूना है, मैं कोशिश कर रहा हूं नहीं छोड़, मेरी पकड़ में नहीं है, लेकिन एक फुट अगर जंप लगा लूं तो मैं पकड़ सकता हूं, मतलब मेरी पहुंच में है, मेरी पकड़ में नहीं है। एक बार पहुंच वाला लक्ष्य होगा, जब पकड़ में आ जाएगा तो फिर नया लक्ष्य का की प्रेरणा उसी में से पैदा होगी। और इसलिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम कुछ ना करने के लिए बड़े बड़े लक्ष्य की बातें करते रहे। मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद पूछेंगे क्या करते हो, तो मैंने देखा तो वो कहते थे सीए कर रहा हूं। तो मैं हैरान था, इतने सारे लोग सीए कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो पता चला कि वो, ये मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, कि ये सीए कर रहा हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा उनके परिवार इधर उधर बातें करते देखने, मैंने पाया कि कुछ नहीं करता हूं, ये जवाब बड़ा भारी रहता है। अब 22 साल की उम्र हो गई है, रिश्ते भी आते हैं, तो मां बाप क्या जवाब दे? तो वो भी आसानी से कहते बेटा सीए कर रहा है। अब ये लक्ष्य नहीं है जी, ये तो एक प्रकार से चालबाजी है अपने आप को सुरक्षित करने की। हमें पहले अपने आप को भली भांति जानना चाहिए, अपने तरीके से जानना चाहिए, किसी के संदर्भ में नहीं, अपने मां बाप के सपनों के संदर्भ में नहीं, अपने टीचर के संदर्भ सपनों के संदर्भ में नहीं, आपके प्रधानमंत्री के भाषण के संदर्भ में नहीं, खुद के संदर्भ में। मैंने जो तय किया था पहले क्या हुआ उसका, उससे आपको पता चलेगा हां मैं इतना तो कर सकता हूं, तो तय करो यहां नहीं रुकना है, 5 कदम और जाना है। लक्ष्य अपने सामर्थ्य के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और अपने सपनों की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सपने ही मरे पड़े हो तो सामर्थ्य ही मरता चला जाता है, और ऐसी जिंदगी कभी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मेरा मत रहेगा कि लक्ष्य